आज हम लोग थर्ड एक्टिविटी को डिस्कस करेंगे। एज रिटन हियर वी ऑब्जर्व सेवरल टाइप्स ऑफ थिंग्स अराउंड डेली एंड कैटेगराइज देम डिफरेंटली टू यूज देम इन डिफरेंट वेज। जैसे हम लोग अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें देखते हैं और उन सभी चीज़ों को हम अलग-अलग जो है यूज़ में लाते हैं। जैसे कि किचन में आप बहुत सारे सामान देखते होंगे, प्लास्टिक का स्केल है, बुक है, पेन है, जैसे हम लोग अपने स्कूल में यूज़ करते हैं, टेस्ट ट्यूब्स हैं, वुडन ब्लॉक्स हैं, लेंस है, मिरर है, ये सभी जैसे हम हमारे साइंस लैब्स में भी रखे हुए हैं। तो इस तरीके के जो जितने भी आर्टिकल हैं उनको भी हम लोग अलग अलग कैटेगरी में रख सकते हैं, इनका भी डाइवर्सिटी हम देख सकते हैं। जैसे आप अपने घर में वुडन थिंग्स जो है कि जितने हैं उन सबका इस टेबल में नाम डालिए। जैसे टेबल है, बेड है आपका, तो जितने भी लकड़ी से वुड वुड से बने हुए हैं उन सभी को आप यहाँ कैटेगराइज कीजिए। और सेकंड जो है आप क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल जैसा शेप मैं आपको बताऊँ तो क्यूबॉइडल कुछ इस टाइप का शेप होगा, है ना, इस टाइप का जो शेप होगा उस क्यूबॉइडल का बनाइए। जितने भी शेप्स अवेलेबल हैं, है ना, और सिलेंड्रिकल भी बनाइए। थर्ड को आप लोग सिलेंड्रिकल नोट कर लीजिए, सिलेंड्रिकल। अब सिलेंड्रिकल कैसा होगा, सिलेंड्रिकल इस शेप का होगा, है ना, ये एक लाइक सिलेंडर जो हम लोग यूज़ करते हैं उस तरीके का होगा। तो सिलेंड्रिकल आइटम्स आप नोट कर लीजिए, है ना। फिर आप जो है फोर्थ में ग्लास के जितने आइटम हैं, कांच से बने हुए जो आइटम्स हैं उसको आप नोट कर लीजिए, ये फोर्थ हो जाएगा आपका। देन आप लोग फिफ्थ में जो है जितने भी लोहे की चीज़ें हैं, आयरन से बनी चीज़ें हैं उसको आप रख सकते हो, और सिक्स्थ में जो है प्लास्टिक की जितने सामान हैं उसको रख सकते हो। तो ये सिक्स ग्रुप में आप इस टेबल को डिवाइड करके आप इस पूरे जो हम जो भी अभी नोट कर रहे हैं इस ग्रुप्स को अलग करेंगे, और अलग करने के बाद हम डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको 15 मिनट्स का टाइम दे रहा हूँ, 15 मिनट्स में ये वर्क कंप्लीट करके आप मुझे ग्रुप में उसको सेंड कीजिए। देन वी विल डिस्कस कि इसका मीनिंग क्या है और क्यों ये एक्टिविटी हम कर रहे हैं। थैंक यू।